हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अगर आप शादी करना चाहते हैं और रिश्ते की तलाश में हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, जैसे आपको लड़की की तलाश है शादी के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी ऐसी लड़कियों के बायोडाटा पब्लिश करता है जिन लड़कियों की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण रिश्ता नहीं हो पाता है, या जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं, या फिर जिन लड़कियों और औरतों का तलाक हो जाता है। तो ऐसे रिश्ते हमारे यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी पर पब्लिश किए जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, इन्होंने हमें आज अपना बायोडाटा भेजा है। इनका नाम मीरा विश्वकर्मा है और मीरा जी उत्तर प्रदेश अमेठी की रहने वाली हैं। तो आप इनके बायोडाटा को अंत तक देखें ताकि आप इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें और कैसे रिश्ते की तलाश है इनको। अगर आप इनके प्रोफाइल को पूरा देखते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये रिश्ता आपके अकॉर्डिंग होता है तो आप इनसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं रिश्ते के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रोफाइल को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाए इनके बारे में। मीरा जी की एज 24 साल है। इनकी हाइट 5'3" है और मीरा जी ने एजुकेशन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मीरा जी शिक्षा वगैरह प्राप्त कर सकें, इसलिए इनका एजुकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये अनमैरिड है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मीरा जी के फैमिली में इनकी मदर हैं और एक भाई है इनका और 3 बहनें हैं। मीरा जी की फादर एक्सपायर कर गए हैं और इनकी मदर खेतीबाड़ी का काम संभालती है। उनके भाई भी, एक बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, वो भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, क्योंकि बचपन में ही मीरा जी के पिताजी ख़त्म हो गए थे, इस कारण से इनको एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पाया और ये अनपढ़ रह गई। इनके परिवार वालों का कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ये अपनी लड़की को पढ़ा सके, और इनके और भाई बहन हैं वो भी स्कूल वगैरह नहीं जा पाए और ये भी, इन्होंने भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। इनकी मम्मी का कहना है कि इनको एक अच्छे रिश्ते की तलाश है मीरा जी के लिए, क्योंकि रिश्ते वगैरह तो बहुत आते हैं इनके लिए, पर लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं। और मीरा जी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, एजुकेशन भी कम है इनका, तो वो मना कर देते हैं। और इनके परिवार वाले इतने अमीर नहीं हैं कि ये लड़के को दहेज दे सकें, इसलिए वो मना कर देते हैं रिश्ते के लिए। इनका कहना है कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो ये मीरा जी को पढ़ा सकती और इनकी भी एक अच्छे परिवार में शादी हो सकती थी, पर इनके पिताजी बचपन में ही ख़त्म हो गए, इस कारण से इनको काफ़ी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनकी मम्मी का कहना है कि इनको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है मीरा जी के लिए, जो बिना दहेज के इनसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो और पैसों का किसी प्रकार का लालच ना हो उसके मन में, और हमेशा मीरा जी का साथ दे और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। इनकी मदर का कहना है कि मीरा जी में एक खुशहाल गृहिणी के सारे गुण हैं जो एक लड़की में होना चाहिए। अपने परिवार को चलाने के लिए वो सारा कुछ आता है इनको, पर इसके बावजूद भी इनको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। और इनकी मदर का कहना है कि ये काफ़ी गरीब हैं तो ये दहेज तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगी लड़के को, पर एक अच्छा जीवन साथी दे सकेंगे जिससे कभी उनको कोई कमी महसूस ना हो, ऐसा उनकी मदर का कहना है। और वो आपके पेरेंट्स को भी अच्छी तरह रखेंगी, ऐसा उनका कहना है। और मैं आपको लड़की की रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि लड़के की एज कितनी चल जाएगी इनको। इनकी मदर का कहना है कि इनको लड़के की उम्र 25 से 35 साल तक चल जाएगी। अगर लड़का विधुर है, तलाकशुदा है या अनमैरिड है तो भी इनको चल जाएगा। और लड़का महीने में बस इतना कमा लेता हो ताकि
मीरा जी दो वक्त का रोटी खा सकें और इनका परिवार वगैरह अच्छी तरह चल सके। लड़का बस इतना कमा लेता हो और कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है इनकी लड़की की इनकम को लेकर, और इनको ऑल इंडिया में से कहीं के भी रिश्ते चल जाएंगे। बस लड़के को हिंदी भाषा आनी चाहिए क्योंकि मीरा जी को ओनली हिंदी भाषा आती है, ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में। और इनको हिंदू जैन और सिख धर्म में से किसी भी धर्म के रिश्ते चल जाएंगे शादी के लिए। अगर आपको मीरा जी का बायोडाटा पसंद आया हो और आप इनसे बिना दहेज के शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुंचा सकें। अगर आपको मीरा जी की फैमिली वाले का कॉल वगैरह आता है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं रिश्ते के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ।